वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ की। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस के बारे में पूरा थ्योरी बता चुका था, मैंने बता दिया हुआ है रेसिस्टेंस क्या होता है। और ये मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल से, हमारे डेली लाइफ का एग्जाम्पल है जो कि टॉर्च है, उससे ये रिलेशन आपको डिड्यूस करवाया था कि वी इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप ज़्यादा अच्छा होगा उसको देखाएं। ठीक है, तो V इक्वल टू IR से मैंने एक रिलेशन आपको डिड्यूस करवा दिया था। पर सर साइमन जॉर्ज साइमन ओम्स जो थे, उन्होंने कैसे ये रिलेशन डिड्यूस किया होगा? उन्होंने तो टॉर्च या वैसा चीज़ उस टाइम में था नहीं, तो कैसे डिड्यूस किया होगा? और सारा चीज़ दुनिया को दिखाना भी रहता है, जब कोई चीज़ डिस्कवरी हो जाता है या खोज होता है तो उसका पेटेंट या पेपर बना के उसको पब्लिश करना रहता है, तो सर साइमन ओम ने कैसे किया होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक सर्किट तैयार करना है जो हम लोग वो जैसे किए थे, यहाँ हम लोग का सर्किट कुछ ऐसे होने वाला है। आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानते हैं फोर्थ लेक्चर से, और इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कनेक्टिंग वायर होता है जो आप देख रहे हैं, कनेक्टिंग वायर लगा हुआ, उसके बाद लगा हुआ है बैटरी। ठीक है, टू सेल है इसलिए हम इसको बैटरी बोल रहे हैं, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव। ओके, एक स्विच है जो यहाँ पर क्लोज किया हुआ है, वायर है, एक अमीटर लगा हुआ है, अमीटर जानते हैं आप करंट मेजर करने के लिए यूज होता है, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो इसका यूज किस के लिए है, वोल्टेज को नापने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए किसी दो पॉइंट के बीच में। ओके, मैंने तो वैसे पिछले लेक्चर में बता दिया है कि जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। ठीक है, किस में? पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो पैरेलल में कनेक्ट होता है ये मैंने बता दिया है कारण भी, फिर भी आप समझना चाहते हैं यहाँ पे अगर उन्हें देखे हैं तो समझिए पैरेलल में कनेक्ट इसलिए होता है क्योंकि वोल्ट मीटर के पास बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर हैज़ वेरी हाई रेसिस्टेंस। अगर बहुत हाई रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो उसको अगर सीरीज में लगा दिया जाए, ठीक है, अगर सीरीज में लगा दिया जाए तो उससे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि जब किसी चीज़ का बहुत हाई रेसिस्टेंस होता है तो करंट वो फ्लो नहीं करने देता है, वैसे ही बहुत हाई रेसिस्टेंस रहता है तो उसी को हम इंसुलेटर बोलते हैं, तो उससे फ्लो नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि करंट पे कोई इन्फ्लुएंस ना हो और इससे ज़्यादा करंट ही नहीं जा पाए। क्योंकि आप एक चीज़ समझ लीजिए कि करंट जो है हमेशा, जो चार्ज है, करंट बोलिए या चार्ज बोलिए, चार्ज जो है वो हमेशा कौन सा पाथ फॉलो करता है, तो चार्ज ऑलवेज फॉलो लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ। आपका भी ये है, ठीक है, आपको अगर दो रास्ते दिया जाए और एक रास्ते में बहुत ज़्यादा गड्ढा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, रुकावट है, और दूसरे रास्ता एकदम प्लेन है, तो आप किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे? तो ऑफकोर्स जो एकदम प्लेन है, वैसा ही चार्जेस के साथ भी होता है, चार्जेस हमेशा वैसे ही रास्ते से जाते हैं जिसमें कम से कम रुकावट हो, रेसिस्टेंस हो, तो इससे वो जाता ही नहीं है, पूरा इसी से चला जाता है, इससे ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर दिया जाता है। उसी तरह से जो आप देख रहे हैं अमीटर, ये अमीटर ऑलवेज कनेक्ट होता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों कनेक्ट होता है ये सीरीज में? तो हमेशा इसलिए कनेक्टेड इन सीरीज क्योंकि इसको मेजर करना रहता है क्या, करंट। ठीक है, अगर हम इसको हम पैरेलल में लगा देते हैं तो पैरेलल में आप क्या देखते हैं, पैरेलल में जो करंट बट जाता है, पर इसको तो पूरे सर्किट का करंट मेजर करना है, तो इसको अगर पूरे सर्किट का करंट मेजर करना है तो इसको सीरीज में ही लगाना बेटर होगा, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों? बिकॉज करंट इन सीरीज रिमेन सेम, करंट जो होता है सीरीज में सेम रहता है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पिछले वीडियो में करा चुका है, सेम रहता है, इसीलिए इसको लगाया जाता है सीरीज में। और इसका रेसिस्टेंस भी बहुत लो होता है क्योंकि तभी ना ये करंट इस पर फ्लो कर पाएगा, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा तो अमीटर ही बहुत सारा जो करंट है उसको बहने ही नहीं देगा, फ्लो ही नहीं करने देगा, तो इसलिए इसका रेसिस्टेंस जो होता है किसका, अमीटर का, वो बहुत लो होता है, रेजिस्टेंस इज वेरी लो। ओके, ये तो समझे, ठीक है, यही कारण था जो मैंने पहले आपको वेरिफिकेशन नहीं कराया, एक सिंपल सा एग्जाम्पल से आपको डिड्यूस करा दिया ये जानने के लिए कि अमीटर सीरीज में कैसे क्यों कनेक्ट होता है और वोल्टमीटर पैरेलल में। अब आप, मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ गए हैं, अगर पिछला लेक्चर आप देखे हैं और सीरीज पैरेलल का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कनेक्शन किया, हम लोग ये कनेक्शन किए, अब ये क्या किए, अब आप भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, ईजी है। तो आपको एक सेल लेना है, सेल, हाँ, जो जिसे पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स माना जाता है वो लेना है, जो अपना केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, उसे आपको एक सेल पहले लगाना है यहाँ पे और अमीटर में और वोल्ट मीटर में रीडिंग लेना है। ठीक है, मान लीजिए जो एक सेल था उसका पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 था, उसका वोल्टेज कितना था 2.5 लिखा रहा था उस पर, और उससे जो अमीटर है उसमें रीडिंग आया 0.1। आप क्या किए, एक और सेल लगाए 2.5 वोल्ट वाला, ठीक है, एक और सेल लगाए, जैसे टू सेल लगे मतलब बैटरी हो गया, अब उससे, अब चूंकि वोल्टेज बढ़ा है तो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, तो करंट भी बढ़ा होगा तो करंट हो गया 0.2। अब चार मान लीजिए लगा दिए, ठीक है, चार लगा दिए सेल, तीन भी लगा सकते हैं ऐसा नहीं है, चार लगा दिए सेल और चार लगा के उसका जो अब करंट था वो अमीटर में दिखा रहा था 0.4। अब हम लोग छः लगा दिए, दो और 2.5 वोल्ट का लगा दिए, तो उसमें अब करंट दे रहा था 0.6, अब कितना कर दिए,
10 लगा दिए, ठीक है, 2.5 वाला 10 बैटरी लगा दिए, तो अब इसका कितना हो गया, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है अमीटर में। तो ये सारा चीज़, अब ये मैं कहाँ से लिया हूँ, तो मैंने ये गूगल के साइट से लिया हुआ, ठीक है, ये गूगल के साइट से एक डाटा लिया हुआ है और ये डाटा सही है, ऐसा आपको मिल जाएगा, ऐसा रिलेशन मिल जाएगा, और इसका वेरीफाई भी कर लेंगे कि ऐसा ही है ये गलत। तो ऐसे ही जो सर साइमन ओम्स थे उन्होंने भी ऐसा ही किया था, ठीक है, इन्होंने डेटा रिकॉर्ड किया और डेटा रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या किया, इस दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किए, ठीक है। अब आपको ग्राफ दो तरह का मिलेगा हर एक बुक में, और मैक्सिमम बुक में आपको ग्राफ दो मिलेगा, एक मिलेगा जिसमें आपको वोल्टेज जो है वो दिया रहेगा वाई एक्सिस पे, ठीक है, वोल्टेज दिया रहेगा वाई एक्सिस पे, और करंट जो दिया रहेगा वो दिया रहेगा एक्स एक्सिस पे, करंट किस पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्राफ जो होता है, बहुत दिन से आप टेंथ में आ गए हैं तो इतना चीज़ तो आप जानते हैं ना, ग्राफ से कोई भी चीज़ को समझना, इंटरप्रेट करना और माइंड में बैठाना ईजी होता है, इसलिए इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट किया तो एक बार वी आई का देख लेते हैं, और एक बार इसको बोलते हैं वी आई जो वाई एक्सिस पे, पहले उसको लेके वी आई, और इसको बोल देते हैं आई वी ग्राफ, एक बार उल्टा, करंट वाई एक्सिस पे और वोल्टेज एक्स एक्सिस पे। देखिए अब अगर आप मुझे पूछे कि इस दोनों में से कौन अच्छा है, ये वाला या ये वाला, मतलब कौन ज़्यादा सेट बैठता है रूल पे, तो सेट बैठता है ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है। एक्स एक्सिस पे कौन अक्सर दिखाया जाता है, ये तो एक्स एक्सिस जैसे पता है ना आपको, एक्स एक्सिस पे वैसे चीज़ दिखाते हैं जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इंडिपेंडेंट है और करंट इस पे डिपेंडेंट है, वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, मतलब आई जो है करंट वो डिपेंडेंट है और वोल्टेज इंडिपेंडेंट है, इसलिए वोल्टेज का एक्स एक्सिस पे रहना ज़्यादा अच्छा है। पर हम लोग का जब रिलेशन निकलने वाला यहाँ से वी इक्वल टू आई आर जो ओम्स निकाले थे, वहाँ से आर क्या आया, बी बाई आई, इसीलिए ये रिलेशन के लिए, सिर्फ ये रिलेशन के लिए यहाँ पे हम लोग अगर वी आई कर्व बनाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, वी आई वाला ग्राफ बनाए तो वो अच्छा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमको निकल रहा है ये एक रेशियो है और ये रेशियो स्लोप देगा इसका हमको, ठीक है। स्लोप सब के बारे में आप जानते हैं हमारे हिसाब से, क्लास 9 में भी आप पढ़े होंगे, आप इसको इस ग्राफ से कंपेयर कर सकते हैं, किससे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, जो आप क्लास 9 में पढ़े थे डिस्टेंस ग्राफ टाइम ग्राफ मोशन के फर्स्ट चैप्टर में, उसमें आप देखे होंगे कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन आता है, कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है अगर कुछ इक्वल टाइम है वही तो एकदम रिलेटेबल है दोनों, तो यूनिफॉर्म मोशन का जैसा आता था वैसा है इसका भी आएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं, पहले हम लोग ये क्या किए, तो सर साइमन ओम थे उस ग्राफ के पॉइंट को प्लॉट किए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आई है एक्स एक्सिस पे, तो ये 0.1 2.5, तो 0.1 ये रहा, 2.5 कहाँ रहेगा, तो 5 यहाँ है तो 2.5 कुछ यहाँ होगा, तो इस दोनों को मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक, ओके। अब कोर्स जब जीरो वोल्टेज रहेगा तो जीरो करंट होगा, तो आप एक और पॉइंट ले सकते हैं 0 पे 0, 0.2 करंट है तो 5 वोल्ट है, 0.2 करंट है तो 5 वोल्ट है, ओके। मैं इसको यहाँ प्लॉट कर लेता हूँ ऐसे और ऐसे, ठीक। फिर 0.4 वोल्ट है तो 10, 0.4 वोल्ट है तो 10, ठीक। 0.6 है तो 15, 0.6 है तो 15, उम्मीद है मुझे आपको ग्राफ प्लॉट करने आता है। 0.1 है जब, यानी ये रहा 1.0, 1 है जब तब 25, तो ये 25 का मैं ऐसे इधर ले लूँ और ये 1 इधर ले लूँ, 1 ये रहा दिया गया। अब सारे पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर दे तो देखिए आपको कैसा लाइन मिलने वाला, ये एक स्ट्रेट लाइन से आप करेंगे, स्केल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ग्राफ भी, और ये ग्राफ पेपर पर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आपको ग्राफ बनाने आता होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है, इसलिए ये सब आपको मैं बता नहीं रहा हूँ, ये कैसे होता है, ऑर्डर पेयर कैसे बनता है, ठीक है, एक्स पे कौन लेंगे वाई पे कौन लेंगे, ये सब बताने की चीज़ है टेंथ के बच्चे को, नाइन्थ में ही आपको ये सब पूरा अच्छे से बताएं। कैसा पॉइंट मिला आपको, एक स्ट्रेट पॉइंट मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला, कैसा लाइन मिला, एक स्ट्रेट लाइन। इसी से इनको पता चल गया कि जो रिलेशन है भी और आई का वो कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है। और बाद में आया भी इन्होंने फिर इसका और इसका डिवीजन किया, मतलब वी और आई का रेशियो निकाला, जैसे कि हम लोग स्लोप निकालते हैं, इसको क्या बोला जाता है, स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन ऑफ थीटा, क्या टेन ऑफ थीटा, ये जितना एंगल बना रहा है ना एक्स एक्सिस के साथ उसी को बोलते हैं टेन थीटा। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, ये नाइन्थ में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, नाइन्थ में मोशन में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना लाइन बनाता है, कितना एंगल बनाता है, सॉरी, जो एक लाइन है वो उसका स्लोप कहलाता है। स्लोप क्या है, स्लोप इज एंगल या टेंजेंट, ये टेंजेंट है, टेंजेंट सर्कल जो है, सर्कल, सर्कल जब कोई लाइन, कोई लाइन जब सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है तो उसको टेंजेंट बोला जाता है। तो
टेंजेंट क्या है, तो एक लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे पास करता है, वैसे ही इसको बोला जाता है टेंजेंट, इसको टेन थीटा बोला जाता है, और टेन थीटा का ही फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। तो स्लोप को अगर डिफाइन करना है तो वो टेंजेंट है किस चीज का, उस एंगल का जो कि वो लाइन बना रहा है एक्सिस के साथ। तो टेंजेंट इज द स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल विच अ लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस, तो वो स्लोप है। स्लोप ये निकाले, स्लोप निकाले और वो कैसे वाई बाई एक्स निकाले, वाई बाई एक्स करने का मतलब, तो आप कहीं एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए हम ये एक लाइन पॉइंट प्रिफर कर रहे हैं 0.6 वाला और ये 15 वाला है, सॉरी यहाँ है पॉइंट ये 15 वाला, इसको मैं एक पॉइंट प्रिफर करके और यहाँ पे बना लो। अब ये जो है इतना दूर, इतना दूर, ये क्या है, ये है वाई एक्सिस पे, तो मैं इसको नाम देता हूँ ए मान लीजिए, और ये जो पॉइंट है इसको बी। अब मैं वाई बाई एक्स यानी ये जो है ये जीरो ए, इसको बाई ओ बी इसको निकालता हूँ, ओ ए बाई ओ बी, तो ओ ए कितना है 0 से 15, तो 15 कैसे निकालेंगे, तो 15 माइनस 0 15 होगा, और ये कितना है 0.6 माइनस 0 यानी 0.6, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा 2, 5, कितना आया 25। मैंने एक और पॉइंट लिया, ठीक है, ये कहाँ पे निकालता है, ये ओ ए और ओ बी पे निकालता है, मैंने एक और पॉइंट लिया, मान लीजिए ये पॉइंट ले लेते हैं 0.4 वाला, ये चलिए 0.2 वाला लेते हैं, 0.2 वाला और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वोल्टेज है, इसके साथ जो वोल्टेज है वो कितना है 5 है, तो मैं अब इस पे निकालता हूँ, इसको मान लीजिए नाम देता हूँ बी, तो दे दिया है सी डी, तो यहाँ पे मैंने निकाला अगेन, ठीक है, अगेन जो हमारा वाई बाई एक्स निकाले वो जो था क्या था ओ सी बाय ओ डी, वो क्या निकला 5 बाय 2.5, कितना निकला, ओ सॉरी 5 बाय 0.2, सॉरी 5 बाय 0.2 कितना आया 25। तो आप देख रहे थे, आप इसी तरह से आप जितना आपको निकालना है, इससे निकाले किसी से भी निकाले, या हो सकता है इस बीच से भी निकाल सकते हैं आप, इस बीच से वाई लेंगे, इस बीच से एक्स लेंगे, और इससे भी निकालने पे आपको इतना ही आंसर आएगा, यानी वो समझे कि वी बाय आई जो है ये कॉन्स्टेंट रेशियो है, जिसके बारे में मैंने डिटेल बात कर चुका है, कर लिया है, और यही कॉन्स्टेंट रेशियो हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, ठीक है, यानी ये जो आ रहा है 25 25 25, ये क्या है, ये इस वायर, ये जो वायर लगा हुआ है ये रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टर, ये रेसिस्टर लगा है, रेसिस्टर मतलब सिंपली एक वायर भी बोल सकते हैं आप, एक वायर, एक बल्ब, एक फैन लगा हुआ है उसमें भी रेसिस्टेंस रहता है, तो वो भी एक रेसिस्टर काम कर रहा है, इसमें आप एक वायर भी लगाए हुए हैं, तो वो रेसिस्टर का वैसे साइन ऐसे होता है, ये हो गया आपको रेसिस्टेंस, ये कॉन्स्टेंट रेशियो। इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो देखिए इसमें जब आप जो स्लोप में ये आई बाय वी निकालते, तो यहाँ पे जब आप आई बाय वी निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 बाय आर, ठीक है। तो आपको ये मैंने दोनों ग्राफ इसलिए बना के दिखाया है कि इसमें जब वी वाई निकालेंगे यानी वाई बाई एक्स निकालेंगे, तो इसमें आपको सिंपली, इसमें आपको वी वाई जो निकालेंगे तो इसमें सिंपली आपको आ जाएगा, लेकिन बुक समय बहुत सारे बुक में या एग्जाम में आपको अगर आई बाई वी ग्राफ आ जाता है तो आई बाई वी ग्राफ में जो आपको आएगा उस लाइन से, ठीक है, वो आएगा 1 बाय आर। चलिए इस ग्राफ को भी प्लॉट करके हम लोग एक लाइन बनाते हैं, जैसे पहला क्या है, चलिए मैं प्लॉट कर लेता हूँ जैसे आपका टाइम, चलिए तो मैंने उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर लिया, अब एक बार और यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने स्केल सिर्फ बदला हुआ है और कुछ नहीं, स्केल सिर्फ बदला है, जिसमें इसमें स्केल था, स्केल तो आपको देने आता ही है ग्राफ में, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं। अब यहाँ पे हम आई बाई वी जो निकालेंगे, अगर आई बाई वी, तो वो आई बाई वी देखिए 0.4 बाय, अगर इसका बात करें 0.4 यानी ओ ए बाई ओ बी यानी 10। अब देखिए ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 बाय 25, अब वहाँ क्या आ रहा था 25, यानी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो आर आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 बाय आर, तो यहाँ पे आपको अपोजिट करना पड़ेगा रेसिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है, या तो डायरेक्ट आप वी बाय आई निकालें या आई बाय वी निकालेंगे तो उसको एक बार रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आपको रेसिस्टेंस निकल जाएगा, तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 25 ओम। ये मैंने एक और कारण से बताया, जब आप एडवांस लेवल का क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें आपको इस तरह का मिलेगा, दो लाइन दे देगा, एक इस तरह का और एक इस तरह का, ठीक है, बोलेगा कि किसका ग्राफ है ये, मतलब किसका ज्यादा रेसिस्टेंस है, ये आई और बी है, बोलेगा दो अलग अलग वायर है, दो अलग अलग वायर का ऑफकोर्स रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ज्यादा होता होगा, आप तो जानते हैं रेसिस्टेंस कम से कम मटेरियल पे तो डिपेंड करता है, कॉपर का लेंगे तो उसमें थोड़ा अलग होगा, अगर एल्युमिनियम का वायर लेते हैं तो उसमें थोड़ा अलग होगा, सबका एटम अलग होता है इसलिए, ठीक है, तो इस दोनों में किसका जो है वो रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो अगर ध्यान से अगर आई बाय बी है और वी बाय आई है तो इसमें जस्ट आंसर उल्टा आने वाला है, सॉरी ये सब स्ट्रेट लाइन है, अगर ये वी बाय आई है तो वी बाय आई में तो सिंपली वी बाय आर देता है आर, तो जिसका स्लोप ज्यादा यानी स्लोप मतलब जितना एंगल ज्यादा उतना रेसिस्टेंस, तो ये आर वन अगर मान लीजिए ये है आर टू, तो यहाँ पे ऑफकोर्स इसमें आर वन इज ग्रेटर देन आर टू, पर यहाँ पे ये अगर R1 है और ये R2 है तो ये चूंकि I by V ग्राफ है और I by V जो होता है 1 by R होता है, तो यहाँ पे R1 छोटा होगा R2 बड़ा होगा फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि वहां पे 1 by R आ रहा है, अगर 2 बोल रहा हूँ 1 by 2 बोल रहा हूँ तो कौन बड़ा है, ऑफकोर्स 2 बड़ा है क्योंकि 1 by 2 तो 0.5 हो जाता है, तो यहाँ उल्टा होने के कारण
जो इसका वैल्यू है रेजिस्टेंस का वो भी उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि R2 ग्रेटर है R1 से। तो मैंने ये भी कारण है कि मैंने आपको दोनों ग्राफ प्लॉट करके दिखाया, ठीक है, सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप निकालेंगे तो यहाँ पे सब में 25 ओम आप डिवीजन करके लिख लीजिएगा, 25 ओम वी वाई करेंगे तो सब में 25 ओम आएगा। तो आप किसी तरह से करें वो रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है। हाँ, ये बात है कि ये एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया है, रेजिस्टेंस बना के या सर्किट बना के, ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। चूंकि मैंने जब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ही लिखा था उसी में मैंने आपको बता दिया था कि ओम्स लॉ एक फिक्स टेम्परेचर पे किया जाता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे ओम्स लॉ वैलिड है। जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ वैलिड नहीं होता। क्यों नहीं होता है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है आर, जो वी वाई का रेशियो आर है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जी हाँ, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड करता है उसी के बारे में बात करेंगे अब कि फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड, कौन कौन से ऐसे चीज़ है जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो चलिए पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। तो देखिए यहाँ पे जैसा हमारा सर्किट था पीछे वाला सर्किट, उसी सर्किट में जब एक पहली बार मान लीजिए एक सेंटीमीटर का कोई वायर लगाया हुआ था, वायर या रेसिस्टर, रेसिस्टर है वायर है एक ही बात है, उसमें भी रेसिस्टेंस है तो उसको भी रेसिस्टर बोल सकते हैं। तो फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड, तो ऐसा देखा गया एक बार अगर एक सेंटीमीटर का वायर दिया हुआ है, ठीक है, और एक बार अगर दो सेंटीमीटर का वायर दिया हुआ है इसका डबल, तो इसमें रेसिस्टेंस अगर आर था मतलब टू ओम था तो इसमें जस्ट चार ओम हो गया। यानी वायर का लेंथ जब डबल किए, ठीक है, डबलिंग द लेंथ ऑफ वायर, वायर के लेंथ जब डबल किया तो रेसिस्टेंस भी क्या हो गया डबल, डबल्स द, डबल कर दिया क्या चीज द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को भी डबल कर दिया, ठीक है। इससे ऐसे ही अगर फोर टाइम्स वायर को किए तो रेसिस्टेंस भी फोर टाइम्स हो गया, ठीक है। इससे समझ आया कि हमारा रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अभी डायरेक्टली इन्वर्सली तो आप समझते हैं ना, ठीक है, डायरेक्टली का मतलब है अगर एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ये चीज़ घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। जैसे अगर वन सेंटीमीटर वाले को आधा कर देते 0.5 तो रेसिस्टेंस भी अगर आधा हो जाता तो वो हो जाता क्या, वो हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा तभी बढ़ेगा तभी डायरेक्टली, अगर दोनों एक साथ घट भी रहा है फिर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहला ये रिलेशन आया इन लोगों को एक्सपेरिमेंटली, अगर वायर का लेंथ बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे उसी तरह से जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है। तो पहला तो हो गया किस पे, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वायर। दूसरा एक्टिविटी उसी में क्या किए, एक बार, एक तो ये हो गया, दूसरा एक्टिविटी वो किए कि इसी में ये जो रेसिस्टर था यहाँ पे एक बार जो एक सेंटीमीटर का वायर था वही रहने दिए, लेकिन उसका डायमीटर जो रेडियस, डायमीटर तो समझते हैं ना, मान लीजिए ये जो वायर है एक मोटा करके थोड़ा दिखाऊं तो ये एक वायर है, इस वायर का अपना एक डायमीटर होता है। डायमीटर किसको बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना ये, इसका ये पूरा कहलाता है डायमीटर, एक छोर से दूसरे छोर तक। अगर इसका डायमीटर डबल कर दे यानी इसकी मोटाई बढ़ा दे, सिंपल शब्द में मोटाई बढ़ा दे, तो देखा गया कि रेसिस्टेंस आधा हो गया। इसको आप लॉजिक से भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, आप याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंटल है चुकी तो याद कैसे करते हैं उसका भी बात। तो ऐसा देखा गया कि अगर डायमीटर को डबल कर देते हैं, मान लीजिए दो सेंटीमीटर डायमीटर था एक वायर का और लेंथ दोनों का अभी फिक्स रखे हुए, लेंथ एक सेंटीमीटर नहीं तो ज़्यादा छोड़ जाएगा। अब इसको अगर हम फोर सेंटीमीटर कर दिए डायमीटर को, नया डायमीटर जो है हमारा फोर सेंटीमीटर हुआ, यानी डायमीटर डबल कर दिया गया, डायमीटर को क्या कर दिया गया डबल, तो रेसिस्टेंस अगर मान लीजिए यहाँ चार ओम था और चलिए छः ओम था, ठीक है, तो ये अब थ्री ओम हो गया। मतलब अगर डबल कर दिया गया, डबलिंग द डायमीटर ऑफ वायर और मोर करेक्टली थिकनेस ऑफ वायर, डायमीटर या थिकनेस, थिकनेस अगर बढ़ा दिया गया तो उससे क्या हो गया, द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बिकम्स हाफ, रेसिस्टेंस जो है वो आधा हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर तीन गुना कर दिया जाता तो वो 1/9 हो जाता, ठीक है, क्योंकि डायमीटर का स्क्वायर हो जाता। तो अगर इसको डबल किया गया तो वो क्या हो गया, रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4, रेजिस्टेंस जो था वो 1/4 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं ना यहाँ पे थिकनेस जो है उसमें हम लोग एरिया निकालेंगे। ये थिकनेस यहाँ पे कहने का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या मतलब है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मतलब कितने एरिया में जो चार्जेज है वो फ्लो कर रहा है, ये एरिया है इस एरिया में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसको हम लॉजिक से समझते हैं, यानी यहाँ पे एक चीज़ हम और लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया का इनवर्स है, इनवर्स करने का मतलब अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होगा, घट जाएगा, उल्टा अगर रेजिस्टेंस एरिया घटा देते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसको हम लॉजिकल वे में समझते हैं कि कैसे लेंथ बढ़ाने पर हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। तो देखिए लेंथ बढ़ाना मतलब क्या, चार्जेज के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ज़्यादा रास्ता तय करना। अब ज़्यादा रास्ता अगर वो तय करेगा तो ऑफकोर्स उसको, उसका जो स्पीड है वो घटेगा, एनर्जी घटेगा, तो एनर्जी घटेगा यानी उसका स्पीड कम हो जाएगा, यानी करंट कम बहेगा, जहाँ करंट कम बहेगा उसी को तो बोलते हैं रेजिस्टेंस का बढ़ना। तो इसीलिए जब ज़्यादा लेंथ होता है
अपने लॉजिक में कैसे समझ सकते हैं हम लोग इस तरह से, अगर ज़्यादा लेंथ हो जाता है तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर जो है उसको ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, इसीलिए रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन जब पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल का मतलब क्या, मतलब सॉरी जब हम लोग एरिया की बात करते हैं तो अगर मोटा हो जाता है इसका मतलब क्या, बहुत सारा वायर पैरेलली रखा हुआ है, इसको ऐसे करिए, बहुत सारा वायर पैरेलली रखा हुआ ऐसा क्या हुआ, इसलिए रखा हुआ, इसीलिए समझिए आप कि अब इलेक्ट्रॉन बहुत सारा जब वायर एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है तो पैरेलल में ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसीलिए जब बहुत सारा वायर एक दूसरे के पैरेलल में रखा हुआ है इससे ओवरऑल रेसिस्टेंस जो होता है और घट जाता है, जैसा कि हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में देखें ओवरऑल रेसिस्टेंस जो होता है आर इज डिक्रीज। इसीलिए जो पैरेलल में है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। तो हमको दो मेन फैक्टर मिला, ठीक है, पहला फैक्टर क्या मिला तो लेंथ ऑफ वायर, दूसरा क्या मिला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस क्रॉस सेक्शन। अब क्योंकि जानते हैं आप कि जो हमारा लेंथ ये जो होता है वायर उसका एरिया होता है सर्कुलर होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है, इसीलिए जो रेडियस अगर हम डबल किए थे तो वो 1/4 हो जाएगा ना, इसका 2 करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि इन्वर्स हो रहा है तो ये 1/4 हो जाता था, ठीक है। इसलिए अब चलिए इससे हम लोग एक ये दो जो हमको रिलेशन मिला, पहला ये और दूसरा ये, इससे हम लोग मिलाते हैं क्या है, इस दोनों को कंबाइन करते हैं, जैसा कि बहुत सारे बार हम लोग कर चुके हैं कंबाइनिंग 1 और 2, जैसे ग्रेविटेशन वाले में किए थे, कोलम्स लॉ में किए थे फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसको दोनों को मिलाते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू 1/a, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ओके, अभी हम लोग जानते हैं कि इसको हटाने के लिए जब भी हम लोगों के पास प्रोपोर्शनलिटी साइन रहता है इसको हटाने के लिए हम लोग एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ भी एक कॉन्स्टेंट देंगे और इसको रो बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये इसको पढ़ते हैं रो, और ये जो है ये बोला जाता है रेसिस्टिविटी, क्या बोला जाता है रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी क्या है तो इसको भी हम लोग समझते हैं, रेसिस्टिविटी या इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसके बारे में बात करेंगे, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है, ये रेसिस्टिविटी कैसे होता है, रेसिस्टिविटी का चार्ज के कैरियर से क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट एक रिलेशन आ गया है और इसका बहुत जगह आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको ये अच्छे से देख लेने के लिए, ठीक है। और ये कैसे आया ये भी आप देखेंगे, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के इनवर्सली, और इसी से एक रिलेशन निकल गया, ये रो आया है, ठीक है, रो पी के जी जैसा होता है थोड़ा टेढ़ा होता है रो। ओके, ठीक, अब देखिए ये रो जो है या रेसिस्टिविटी जो है ये है क्या, तो रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस ऑफर करने का, मतलब वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक सकता है, ठीक है, वो जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को रोकने का उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेसिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। अब वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो रोक पाता है उसी को बोलते हैं क्या, रेसिस्टिविटी। तो अगर हमको बताना है रेसिस्टिविटी है क्या, ठीक है, तो पहले तो ऐसे डिफाइन करें, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण क्या कर पाता है वो चार्ज को फ्लो करने से रोक पाता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट स्टोर्स रेसिस्टेंस, ठीक है, या इसको ऐसे लंबा में लिख दिया अगर आपको ये डर लग रहा है, तो ड्यू टू विच इट रेसिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज, इट रेसिस्ट या डिक्रीज या रिटार्ड भी बोल सकते हैं, किसी किसी बुक में लिखा होगा शायद, रिटार्ड क्या करता है, रिटार्ड करता है फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को फ्लो करने से रोकता है, या सिंपली दिखा सकते हैं इसके बाद इस पूरे लाइन को हटा के आप एक वर्ड लिख सकते हैं, ड्यू टू विच इट शो रेसिस्टेंस, जिसके कारण ये क्या दिखाता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का ये मतलब होता है ना रिटार्ड करना चार्ज के फ्लो का, तो यही है रेसिस्टिविटी। ओके, रेसिस्टिविटी को एक और तरीके से डिफाइन करना रहता है तो उसको भी डिफाइन कर लेते, देखिए आर जो है वो रो के बराबर हो जाएगा अगर लेंथ भी 1 हो जाए एरिया भी 1 हो जाए, इस इक्वेशन से अगर लेंथ किसी वायर का, अगर लेंथ किसी वायर का 1 मीटर हो या यूनिट लेंथ का हो, एरिया भी जो है वो भी यूनिट हो यानी 1 cm² 1 m² हो, तो जो आर है और रो है वो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब रेसिस्टिविटी जो है इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस इक्वल होगा कब, जब लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट हो। तो इसको भी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए वायर, रेसिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज वायर या किसी सब्सटेंस का, हम लोग मेनली कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसमें वायर ही यूज करते हैं इसलिए वायर बाबा बोल रहे हैं, तो रेसिस्टिविटी ऑफ ए वायर और सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस के बराबर होता है, ये फील करने के लिए रेसिस्टिविटी क्या है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, रेसिस्टेंस के बराबर होता है कब, व्हेन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आपको दिक्कत है तो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज यूनिटी, ठीक है, ये दोनों जब एक होता है तो इसको बोलते हैं यूनिटी। ओके, अब हमको लग रहा है थोड़ा मन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चूंकि ये एक स्पेशल टाइप का रेसिस्टेंस ही है, रेसिस्टिविटी क्या है, एक स्पेशल टाइप का रेसिस्टेंस ही है जब लेंथ ऑफ वायर और एरिया यूनिटी है, इसीलिए ठीक है
इसीलिए इसी कारण से जो रेजिस्टिविटी है उसको एक और नाम दिया जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, मुझे उम्मीद है बहुत सारा चीज़ आपको आ गया नॉलेज। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट, इसका यूनिट क्या होने वाला है। तो यूनिट निकालने के लिए आप लोग नाइन्थ से ही जानते हैं, यूनिट निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद उसमें सब कुछ का यूनिट धर देते हैं। जैसे आर है, आर इक्वल टू रो एल ए, तो देखिए हमको आर का निकालना है, तो हम लोग ऐसे कर ले, पहले आर को हम लोग एक रो का निकालना है, तो रो को एक साइड कर लेते हैं और इस सबको एक साइड। तो देखिए आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल। अब हमको सिर्फ रो का चाहिए तो इस एल को भी इधर ले लेते हैं, इम्प्लाइज रो इक्वल टू आर ए बाई एल। हमको यूनिट लगाना है, तो रो का यूनिट के लिए आर का यूनिट जो कि होता है ओम, ए का तो मान लीजिए अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, और अगर लेंथ का मीटर तो मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो क्या बन गया, ओम मीटर। ठीक है, क्या बन गया, ओम मीटर। ये क्या है, ऐसा यूनिट है किस चीज़ का, रेसिस्टिविटी का, ऐसा यूनिटी ऑफ रेसिस्टिविटी। ओके, किसी भी सब्सटेंस का ज़्यादा रेसिस्टिविटी है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा फ्लो को रोकेगा। ठीक है, जैसे इंसुलेटर है, इंसुलेटर बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है, और वही कंडक्टर है उसका रेसिस्टिविटी बहुत कम है क्योंकि वो चार्ज को आराम से फ्लो करने देता है। तो यही था रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस, ठीक है, और वो कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा भी, ठीक है, एक दो चीज़ और है जिस पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला जो है फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड, वो कौन कौन आ गया, पहला हो गया लेंथ, दूसरा हो गया एरिया, एक और है टेम्परेचर। ऑब्वियस है अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो फ्लो है वो स्पीड अप होगा, फ्लो जो है वो स्पीड अप होगा, लेकिन स्पीड अप होगा तो टकराने का स्पीड भी बढ़ेगा। अंदर में क्या होता रहता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होते हैं या अपने ही वॉल के साथ क्या होते हैं, टकराते हैं, तो वो टकराने का स्पीड भी ज़्यादा होगा, जिस कारण रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस का। एक और होता है वो है कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी पे, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो मैंने एक छोटे से जगह में आपको सब कुछ बता दिया किस किस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक अच्छा ब्यूटीफुल क्वेश्चन आता है कि क्या रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे, अब चलिए बात करते हैं रेसिस्टिविटी का, चलिए इसी के बारे में बात करते हैं कि क्या रेसिस्टिविटी भी लेंथ वगैरह पे डिपेंड करता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जो हमारा रेसिस्टिविटी है जिसके बारे में अभी हम पढ़े हैं कि प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का रेजिस्टेंस दिखाने का, वो से डिनोट करते हैं, जिसका यूनिट ओम मीटर होता है, ये ओनली डिपेंड करता है मटेरियल पे, डिपेंड्स ऑन मटेरियल या बोल सकते हैं नेचर पे, मटेरियल ऑफ सब्सटेंस या नेचर ऑफ सब्सटेंस। आपको मैं कुछ कुछ एग्जांपल देता हूँ, ये बुक का है डेटा, आपके एनसीईआरटी का बुक का डेटा है। सिल्वर जो होता है, एजी जिसको हम बोलते हैं, उसका वो चूँकि अच्छा बहुत कंडक्टर, बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो उसका देखिए 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, देख रहे हैं कितना कम रेजिस्टिविटी है, बहुत कम रेजिस्टिविटी है, बहुत कम रेजिस्टिविटी अच्छा है, जितना कम रेजिस्टिविटी होगा उतना कम रोकेगा, मतलब उतना ज़्यादा करंट फ्लो करने देगा। यहीं अगर हम ले ले एक किसका, तो एक इंसुलेटर का मान लीजिए हम ले लेते हैं, यहाँ दिया हुआ डायमंड का, तो डायमंड का अगर ले लेते हैं, यहीं वो था सिल्वर का, ये एक डायमंड इंसुलेटर होता है, वो पता है 5 × 10⁻½ ओम मीटर, इतना हाई है, हाई रेसिस्टिविटी है, और यहाँ लो है, क्वाइट लो रेसिस्टिविटी है। अगर आप बात करें कि LOI के बारे में, उम्मीद है आप LOI जानते हैं, जो LOI होता है जैसे निक्रोम, LOI जो होता है वो क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल का जो होमोजेनस मिक्सचर है उसी को बोलते हैं LOI। तो अगर निक्रोम LOI की बात करें, निक्रोम बना किससे रहता है, तो इसका एक एक वर्ड में आपको मेटल मिल जाएगा, जैसे आयरन आई है, इसका मतलब है निकल है, इसमें आई जो है इसका मतलब है इसमें आयरन है, CHR जो है जिसका मतलब है क्रोमियम है, ठीक है, और M जो है इसका मतलब है मैग्नीज है, ठीक है, कौन कौन है मैग्नीज, तो इसी सबसे ये बना हुआ, ठीक है। तो ये निक्रोम एक LOI है जो देख रहे हैं आप, चार अलग अलग किसे मेटल से बना हुआ है, ठीक है, तो इसका भी LOI मेटल से ज़्यादा होता है, जैसे आप देख सकते हैं इसका निक्रोम का जो होता है 100 × 10⁻⁸ और सिंपली 10⁻⁶ ओम मीटर। तो ये तो क्या आप देख रहे हैं, ये मेटल से ज़्यादा होता है, तो रेसिस्टिविटी ऑफ LOI, ठीक है, आर हायर, वो ज़्यादा होते हैं किससे, हायर देन मेटल, देन दैट ऑफ मेटल, ओके, ठीक। और यही सब कारण तो किससे तो हम लोग LOI बनाते भी है कुछ डिजायरस, और रेसिस्टिविटी और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ना ही लेंथ पे, ना ही एरिया पे, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है वो, ठीक है। आप 10 सेंटीमीटर का लो, 50 सेंटीमीटर का लो, अगर मटेरियल एक है सिर्फ कॉपर है तो उसका रेसिस्टिविटी, सिल्वर का लिए हुए तो सिल्वर का रेसिस्टिविटी इतना ही रहने वाला, आप 10 सेंटीमीटर का लो, 20 सेंटीमीटर का लो, कुछ नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है,
ठीक है, टेम्परेचर रेसिस्टिविटी जो रो है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और डायरेक्टली डिपेंड करता है फॉर मेटल एंड नॉन मेटल, यानी आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे जो है वो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, किसके लिए, फॉर मेटल्स एंड एलॉयज, मेटल्स एंड एलॉय। क्या दूसरे चीज़ के लिए अलग होता है, वो सब आपके सिलेबस में है, आपको इतना याद रखना है, ये भी बहुत है, मेटल्स एंड एलॉय के लिए ये चीज़ होता है। एक और चीज़ आता है, जैसे हम लोग पढ़े थे कि रेसिस्टेंस जो है आर, इसका है उल्टा एक चीज़, रेजिस्टेंस आर का उल्टा जो है वो एक है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस वो एबिलिटी है जिसके कारण वो फ्लो कर देता है जी, और इसका फॉर्मूला क्या था कि आर इक्वल टू वन बाई जी या जी इक्वल टू वन बाय आर, आप जो लिखें। उसी तरह से रेसिस्टिविटी का भी एक भाई है, उसको बोलेंगे क्या, कंडक्टिविटी, ऑफ कोर्स रेसिस्टिविटी का उल्टा जो है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी आप बोल सकते हैं, ठीक है, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो है इसको रो से दिखाते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो व्हाट इज कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, कपा से इसको दिखाते हैं, इसको कपा बोलते हैं, जैसे थीटा अल्फा होता है ना वैसे ही कपा होता है, जैसे रो है वैसे ही, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी है क्या, तो ये रेसिप्रोकल है, क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल है किस चीज़ का, रेसिस्टिविटी का रो का। फॉर्मूला लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, तो कप्पा इक्वल टू के जैसे होता है इक्वल टू वन बाय रो, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी का, तो वन बाय इसका क्या था ओम मीटर, अभी पीछे निकाले हैं, अब नहीं देखें तो जाके देखिए, इक्वल टू ये किसका हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, और मैंने आपको बताया था कि ओम इनवर्स को एक और नाम देते हैं साइमन, ठीक है, तो सीधा साइमन मीटर इनवर्स भी आपको मिलेगा, साइमन जो पूरा नाम है ओम्स का, जॉर्ज साइमन ओम्स, वही साइमन एस। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। एक लास्ट चीज बच गया है जिसके बारे में बात कर ही लेते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो क्यों बनाएंगे, जो कि रियोस्टेट है, जिसको वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं। कभी कभी हमको जरूरत होता है एक ऐसे कंपोनेंट का जो रेसिस्टेंस बदलते रहे, ठीक है, जो रेसिस्टेंस बदलते रहे, लेकिन उसके लिए हमको करंट को ना बदलना पड़े, ठीक है, ज़्यादा सर्किट के साथ खेल नहीं करना पड़े। तो वैसा ही एक डिवाइस है रियोस्टेट, जिसको बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस, क्यों बोलते हैं उसके बारे में आपको पता चल जाए, रियोस्टेट, ठीक है। आपको इसका फिगर दिख ही रहा होगा, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, ठीक है, तीन टर्मिनल ए बी सी आपको दिख रहा है फिगर। तो रियोस्टेट क्या है या वेरिएबल रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, तो रियोस्टेट सिंपली एक डिवाइस है जिसका काम क्या होता है करंट को वेरी करना, ठीक है, करंट को वेरी करना या एडजस्ट करना, करंट को वेरी करना या एडजस्ट करना ही किसका काम होता है, रियोस्टेट का। बिना करंट रेजिस्टेंस को वेरी करना, सॉरी किस चीज़ को वेरी करना, रेजिस्टेंस को वेरी करना बिना करंट में ज़्यादा बदलाव किए, तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है, ठीक है, क्या काम होता है, यूज टू वेरी द रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, कंट्रोल द रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल द और वेरी द रेजिस्टेंस, यूज टू वेरी बोल सकते हैं या रेगुलेट बोल सकते हैं, वेरी वेरी या ऐसे वी ई आर वाई वाला है, वेरी वेरी मतलब चेंज, या रेगुलेट बोल सकते हैं, रेगुलेट क्या चीज़ को रेगुलेट करना है, करंट, करंट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, कैसे, तो बिना वोल्टेज में चेंज किए हुए, तो करेगा कैसे, तो इस फॉर्मूला को देखिए आराम से कैसे चेंज हो सकता है, करंट को हमको चेंज करना है, तो सिंपली आप आर को अगर चेंज कर देंगे तो वी रेगुलेट हो जाएगा। तो करंट, वेरिंग करंट या रेगुलेटिंग करंट बाय चेंजिंग या वेरिंग रेजिस्टेंस, बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ज़्यादा बात नहीं करना हम लोग, वेरिंग रेजिस्टेंस विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। एक और चीज़ में रखना है कि विदाउट चेंजिंग इट्स वोल्टेज, वो डिफिनेशन खत्म हो गया, वोल्टेज आपको चेंज नहीं करना, मतलब एक सेल लगा हुआ वही सेल लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन कभी कभी हमको काम रहता है कि करंट अलग अलग डिमांड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी का वेरिएबल रेसिस्टेंस या रियोस्टेट का काम करेंगे। वेरिएबल रेसिस्टेंस या रियोस्टेट का सिंबल कैसा आता है ये देख लीजिए, तो ये रेसिस्टेंस का ऐसा सिंबल होता था आपको पता ही है, ठीक है, तब से ये यूज कर रहे हैं। इसमें अगर आप ऐसे एरो लगा देते हैं ऊपर की तरफ, तो यही है क्या, सिंबल है किस चीज़ का, ऑफ रियोस्टेट। अब चूंकि ये वेरी करता है किस चीज़ को, करंट को, बिना वोल्टेज वगैरह को चेंज किए हुए, तो इसीलिए इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस, या वोल्टेज एडजस्टर भी बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस या करंट एडजस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, ठीक। अब ये ऐसा करता क्यों है, तो ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का यूज करता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब देखते हुए हैं कि जो हमारा हमारा जो ये डिवाइस है, इसमें ये डिवाइस जो रियोस्टेट बोले, इसमें बहुत ज़्यादा रैप किया हुआ है किस चीज़ का, वायर का, ठीक है, रैपिंग है वायर का,
बहुत सारा वायर एक दूसरे पे रैप किया हुआ है। तो ये जो वायर है इसी को एक एडजस्टर होता है, एक स्लाइडर होता है स्लाइड करने वाला। ये स्लाइड क्या करता है, तो इसका जो रैपिंग है उसको डबल कर देता है या हाफ कर देता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, हम लोग इसका रेजिस्टिविटी चेंज करते हैं, यानी लेंथ बढ़ा दिए, ठीक है, टर्न्स बढ़ा दिए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, या एक और हम लोग जानते हैं 1/a, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, ठीक है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। तो उसी से ये रेजिस्टेंस को एडजस्ट करता है, और रेजिस्टेंस को एडजस्ट करने के कारण करंट भी चेंज हो जाता है, वोल्टेज चेंज करने का जरूरत नहीं होता है। एक ही सेल लगाए हुए हैं, वोल्टेज नहीं चेंज करने का क्या मतलब है, एक ही सेल लगाए हुए हैं और उसी सेल से सब कुछ काम चल रहा है। तो ये सब बातें थी किसके बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी के बारे में, उसके वेरिफिकेशन के बारे में, ग्राफिकल मेथड के बारे में, ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालने के बारे में, थोड़ा सा स्लोप की बातें। चलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस सारा टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।